हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक के बारे में तो जो कंपनी इसको बनाती है वो बहुत ही बड़ा कंपनी है और बहुत ज़्यादा बड़ा फैन बेस है इंडिया में उसका तो कंपनी का नाम है के टी एम और के टी एम का एक बाइक है जिसका नाम है फ्री राइड ई सी तो के टी एम एक्चुअली दो हज़ार बारह साल से इलेक्ट्रिक बाइक बना रहा है लेकिन उस टाइम उसको कोई जानता नहीं था फिर दो हज़ार पंद्रह में वो यू एस ए में फिर से अपना जे टू निकाला इलेक्ट्रिक बाइक का और फिलहाल अभी हाल फिलहाल में 2023 से इलेक्ट्रिक बाइक का जो सेगमेंट है के का बहुत बड़ा एक लाइनअप है और ये जो बाइक है जो बहुत साल से एटलीस्ट दस दस साल से है KTM के के कैटलॉग में वो फिर से रिवाइव हो गया है तो ये बाइक के बारे में जो हम लोग बात करेंगे ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बाइक है और फिलहाल खोजते खोजते मुझे ये दिखा कि इंडिया में भी ये मौजूद है मौजूद है मतलब आपको अगर ये ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो तो के का वेबसाइट में जो इंडिया का वेबसाइट है उसमें जाने के बाद मेरे को तो इसका कुछ दिखा नहीं लेकिन जब मैंने इंडिया मार्ट का वेबसाइट में चेक किया तो ये के का बाइक जो कि फ्री राइड ई e एक्सी आपको मिल जाएगा इंडिया मार्ट में और वहाँ प्राइस दिखा रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो वो थोड़ा बल्क ऑर्डर के लिए है और उसमें क्या है कि आपको मिनिमम पंद्रह ऑर्डर करना पड़ेगा तो शायद से आप लोग अगर बात करो तो वो आपको दस पंद्रह हज़ार ज़्यादा लगेगा फिर भी वर्थ इट है तो चलिए आज के टी एम फ्री राइड के बारे में आप लोग को पूरा बताते हैं इसका क्या स्पेसिफिकेशन है कैसा बाइक है कितना पावर है क्या बैटरी पैक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तब तक ये अद्भुत विजुअल्स आप लोग देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसका डिजाइन का तो डिजाइन एंड फील एंड लुक एंड फील जो है दिख रहा है वो एकदम प्रॉपर डट बाइक लग रहा है कोई एंगल से ये इलेक्ट्रिक बाइक लग ही नहीं रहा है और इसका जो कलर है वो के का फेमस अपना ब्लू और ऑरेंज और का कॉम्बिनेशन दिख ही रहा है आप लोगों को बाकी जो हेड हेडलैम्प है वो आपको हेलोजिन हेडलैम्प मिलेगा और जो साइड का व्यू है बहुत सुंदर है और इसमें आपको जो सेंट्रल केसिंग है वो एलुमिनियम के मिलेगा और जो बॉडी है उसमें एक्चुअली तीन टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है एक प्लास्टिक एक एलुमिनियम केसिंग है और एक बेसिक एलुमिनियम और आयरन का जो अलॉय होता है वो है मूविंग ऑन यहाँ पर आपको एक छोटा सा इन बार दिखेगा जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेंगे और इसमें जो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा वो है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव बी एच पी का तो बहुत ही ज़्यादा पावर भी इसमें है और इसका टॉप स्पीड है एट्टी किलोमीटर पर आवर का जो कि कंपनी क्लेम करता है और इसमें आपको तीन मोड मिल जाएंगे तो मूविंग ऑन अगर दूर से आप इसको देखोगे और इसके बारे में बताओगे तो इसका वेट है एक सौ और इसमें आपको मिलेगा एक थ्री पॉइंट नाइन आर का कैपेसिटी का बैटरी जो कि डिटैचेबल है और आप अगर उसको चाहो तो घर में भी चार्ज कर सकते हो और अगर बाइक में डायरेक्ट चार्ज करना है तो उसमें भी कर सकते हो तो मूविंग ऑन इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छा है थ्री फोर्टी मिलीमीटर का और इसमें जो तीन मोड्स है वन टू थ्री तो इसमें जो पीक पावर आप जनरेट कर सकते हो वो है एटीन किलोवाट आवर्स का और वो आपको थर्ड मोड में मिलेगा और उसी में आपको एटीन किलोमीटर का टॉप स्पीड मिलेगा मूवीगॉन हेडलैम्प आपको एल मिल जाएंगे और जो मेन प्रोफाइल और सीट अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्लीक है तो प्रॉपर है डट बाइकिंग एक्सपीरियंस के लिए उसके बाद अगर आप सस्पेंशन का बात करें तो सस्पेंशन में इसको आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा और इसका जो फ्रंट डिस्क है वो 260 मिलीमीटर mm का है और जो बैक डिस्क है वो 230 मिलीमीटर mm का है और जैसे कि आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक में ना क्लच होता है ना होता है गियर तो इसमें भी सेम है इसमें आपको ना गियर मिलेगा ना क्लच तो इसमें आपको जो सामने का क्लच का जगह है उसमें आपको रियर का ब्रेक मिलेगा और फुट रेस्ट पैडल में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा मूविंग ऑन इसमें आप अगर देखोगे तो स्विच ऑन ऑफ करने का है लेकिन इसमें इन जनरल जो इलेक्ट्रिक गाड़ीज हम लोग देख रहे हैं स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह देखते हैं जिसमें फीचर्स मिलते हैं उतना फ़ीचर इसमें नहीं है लेकिन फीचर के अलावा इसमें सब कुछ है एक आपको प्रॉपर बाइक का पावर बाइक का फीलिंग मिलेगा लेकिन हाँ इसका रेंज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है थोड़ा कम है 3.9 पॉइंट नाइन का बैटरी होने के बाद भी इसका रेंज कंपनी क्लेम करती है अराउंड 70 किलोमीटर्स की तो ये सब कुछ हाईलाइटेड फीचर्स थे इस बाइक के जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ लेकिन समाव जो प्राइस मैं आप लोगों को बताया इंडिया मार्ट में सेवेंटी फाइव थाउजेंड दिखा रहा है वो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा गलत है और वो 7.5 पॉइंट लैक्स होना चाहिए राधर देन सेवेंटी लेकिन अगर वो मिल रहा है 75,000 में तो सोने पे सुहागा अगर आपको लेना है तो आप लोग ज़रूर ले सकते हो लेकिन वही है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप लॉन्ग डिस्टेंस या फिर जनरल कम्यूट के लिए लोगे या फिर अगल बगल में आपको थोड़ा सा एकदम लिमिटेड डिस्टेंस जाना है उसके लिए तो ये था ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट अपना के टी एम फ्री राइड ई के बारे में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल में बने रहने के लिए और मेरे को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू